जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी श्रोताओं का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। कैसे हैं सब लोग आप, और पिछला सप्ताह आपको कैसा किया शेयर कीजिएगा मेरे साथ। अभी तो फिलहाल मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ 5 फरवरी से लेके 12 फरवरी तक का साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएँ, 6 तारीख को गुरु वक्री हो जाएंगे और धन और मीन राशि वालों को संभल कर रहना पड़ेगा। 5 तारीख को ही मतलब आज ही सूर्य धनिष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे देर रात मंगल के नक्षत्र में, और 7 तारीख को है जया एकादशी, व्रत रखने वाले व्रत रखेंगे। 8 तारीख को है भीष्म द्वादशी, प्रदोष भी है इस दिन। 9 तारीख को है गुरु पुष्यामृत योग दिन में 10:47 के बाद रात तक। 10 तारीख को है छायाकल्प चंद्र ग्रहण, कि छायाकल्प चंद्र ग्रहण की वजह से कर्क राशि वालों को और अन्य राशि वालों को थोड़ा बहुत संभल के रहना पड़ेगा। बहुत सारा पानी पीजिएगा, हो सके तो चंद्रमा की तरफ देखिएगा नहीं, और अगर आप चांदी के ग्लास में पानी पी सकें, अपने माता के आशीर्वाद ले सकें, और इसके साथ ही अगर आप दूध भी चांदी के ग्लास में पी सकें तो वो भी आपके लिए अच्छा है। 11 तारीख को है गुरु प्रतिपदा। तो आइए जाने 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का राशि भविष्य। मेष राशि, मेष राशि के लिए उच्च के चंद्रमा हो गए आज के दिन, तो एंजॉय करेंगे अपने परिवार को, पैसे को और अपनी वाणी को। ओज रहेगा, उसमें मिठास रहेगी, कोमल रहेगी। बच्चों से और अन्य चीज़ों को लेकर अपने दिमागी परेशानी का जो सिलसिला आपके साथ है, उसके लिए आपको गायत्री के जाप करने चाहिए। बुध की मूवमेंट की वजह से कार्य बढ़ गया आपका, जो सूर्य की मूवमेंट की वजह से कम हो गया था, और आपके जीवन में रोमांटिक क्षण चल रहे हैं। वृषभ राशि, लग्न में चंद्रमा आपकी पर्सनालिटी को बनाता है तेजस्वी ओजस्वी, और जो घरेलू आपको मातहत लोगों से जो परेशानियां हैं उनसे बचने के लिए आपको करने चाहिए गायत्री के जाप। अदरवाइज आप कर सकते हैं कृष्ण और राधिका की पूजा या महालक्ष्मी की पूजा, जिससे आपका मन या आपका मस्तिष्क भी शांत रहेगा। शनि की मूवमेंट की वजह से आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, पेट खराब है, वायु विकार आपको बढ़ रहे हैं। इन वायु विकारों से बचने के लिए भी आपको महालक्ष्मी का पूजन शुक्रवार के दिन करना चाहिए। बुधादित्य योग बनता है आपके भाग्य में, जिसकी वजह से आपका भाग्य उज्ज्वल होने जा रहा है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए मंगल शुक्र आपके दशम में बनकर आपको आपके कार्यस्थल पर किसी से संबंध करवाते हैं जो आपके आगे जीवन में काम भी आएंगे, और हो सकता है उनको आप जीवन साथी भी बनाएं। अष्टम में जो बुध प्रवेश कर गए उसकी वजह से आपकी थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई, कमर दुख रही है आपकी, थोड़ी सी आपके घुटनों में हो सकती है पेन, या आपके हो सकता है हड्डियों में पेन, दांतों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम। आपको करनी है सूर्य पूजा या गायत्री के हवन, या इसके अलावा भी आप एक काम कर सकते हैं, ना हो तो आप महाकाली की सेवा कीजिए, शिव जी की सेवा कीजिए, आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे। आपके इस पाउस या पति पत्नी में जो मनमुटाव शुरू हुआ है उससे बचने के लिए भी आपको माता की ही पूजा सूट करेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए वृषभ राशि में चंद्रमा हो चुके होकर आपकी माता से आपको सपोर्ट और पैसा भी दिलवाते हैं और खुशियाँ लाते हैं आपके जीवन में, आपके दिमाग में शांति छाती है, आप काम अच्छा करते हैं। आपके कार्यस्थल पर अभी तो आप बहुत जोर से काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों जो आपका इतना काम बढ़ा हुआ था उतना नहीं है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको गणेश जी की सेवा करनी चाहिए, गणेश जी का पूजन हमेशा ही करना चाहिए, आपको गणपति नमः के जाप करने चाहिए। परिवार में जो राहु आके बैठा है और आपकी वजह से जो अशांति है परिवार में, उससे बचने के लिए आपको गायत्री के जाप करने चाहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्न में बैठा राहु आपकी पर्सनालिटी को कमज़ोर बनाता है, और इस कमज़ोर पने से आप परेशान हैं, अजीज हैं, और इससे बाहर निकलने के लिए आपको कई बार कह चुकी हूँ कि आपको सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र या गायत्री के जाप या सूर्य को जल चढ़ाना अति उत्तम रहेगा। माइंड पे जो शनि आके बैठे हैं वो आपको कर्मठ तो बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा कर्मठ होने से दूसरों को परेशानी न दीजिएगा। और आपकी जो वृत्ति है वो तापसी बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ रोमांटिक क्षण आपके लाइफ में आ रहे हैं। संबंध किसी से बनाने में ध्यान से संबंध बनाइएगा। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सन्मुख शुक्र मंगल जो आपको लग्न से भरपूर दृष्टि से देखते हैं, जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है, और वैसे आप
कई ज़्यादा अपने रोमांटिक क्षणों को भी एंजॉय कर रहे हैं पहले से ज़्यादा, लेकिन जो आपकी शादी के योग बने हुए थे वो आपकी शादी के लिए, अगर आप गुरु वक्री हो रहे हैं अब तो 9 तारीख को, तो उससे पहले कुछ अगर आपका जमता है मामला तो अच्छी बात है, आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा। पैसे आने का दिन है, भाग्योदयकारी दिन है, क्योंकि ऋषभ के चंद्रमा हैं ये दो दिन, और दिमाग सही चल रहा है क्योंकि बुधादित्य योग बना हुआ है, और आप कर सकते हैं राधा कृष्ण की पूजा। तुला राशि, तुला राशि के लिए चतुर्थ में बना बुधादित्य योग आपको आपकी माता से सपोर्ट दिलवाता है और आपके काम में आपको तत्पर बनाता है। हालांकि आपको यात्रा में थोड़ी कठिनाई हो रही है, लेकिन फिर भी आपकी यात्रा इतनी बढ़ गई है काम के लिए, और आपकी जो भाग दौड़ है काम के लिए इतनी बढ़ गई है कि आप थक रहे हैं। इस थकान की स्थिति से बचने के लिए आपको थोड़ा सा चीनी ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन डायबिटीज़ को चेक करके साथ में उसके बाद आप मेंटेन कर सकते हैं चीनी को अपने ब्लड में, लेकिन आपको अपनी हेल्थ के लिए भी ध्यान रखना होगा। जो आज और कल में आपको उपाय मिल सकता है अपनी हेल्थ के लिए, पैसे आपके पास रुक रुक के आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, और दिमाग आपका थोड़ा सा ऑकल्ट साइंसेस की तरफ झुका हुआ है, जो कि ठीक नहीं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके दिमाग पे छाए मंगल शुक्र आपको रोमांटिसिज्म देते हैं, और आपको कुछ दूसरा सूझता नहीं तो वो ठीक नहीं, आपको कामकाज में ध्यान लगाना चाहिए। हालांकि आप अभी पिछले दिनों तत्पर होकर काम भी कर रहे थे, और अभी जो ये बुध की मूवमेंट हुई है उसकी वजह से आपका पराक्रम और यात्रा भी बढ़ेगी, और आपको ऐसा फील होगा कि आपके सिबलिंग्स भी आपका साथ दे रहे हैं। पैसा रुका हुआ है, और पिछले 2-3 सालों से जब से शनि महाराज आपके लग्न में थे, अब आप पैसे की तरफ ध्यान दीजिए कि पैसा कैसे आए। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न का स्वामी स्वस्थ होते हुए भी जो राहु आपके भाग्य में आके बैठे हैं उसकी वजह से आपको कोई बड़ा चांस नहीं मिल रहा, और इस चांस ना मिलने से आप बहुत ही उदास हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। इससे बचने के लिए आपको सूर्य को देखना चाहिए, सूर्य के जाप करने चाहिए, गायत्री के जाप करने चाहिए, गायत्री के हवन करवानी चाहिए। वैसे भी शनि महाराज की जो मूवमेंट लग्न में हुई है उससे आप बहुत ज़्यादा तापसी कर्मठ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत आपकी बढ़ गई है, और रिजल्ट काम का आपको अभी फिलहाल नहीं, जिस वजह से बेचैनी भी बढ़ी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल होकर काम कीजिए, कोई ग्रह गोचर देखिए नहीं, परिवार आपका, आपकी खासकर आपकी माता आपको सपोर्ट करती हैं, तो उनका ध्यान देते हुए और उनकी बात का ध्यान देते हुए आगे बढ़िए, आपके विरोधी आज और कल में शांत रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्न में बैठा बुधादित्य योग आपको एकदम तेजस्वी ओजस्वी बनाता है, लेकिन सूर्य जो है विपरीत स्वभाव का स्वामी है आपके लग्न से, और जिसकी वजह से आपकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई है, और आप हड्डियों से, और कहते हैं ना हड्डियों की दर्द और कमर की दर्द और आपके दांत की दर्द या आपके आँख में कोई परेशानी, इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको महाकाली या महालक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, और साथ में जो द्वादश में शनि बैठकर आपको चैलेंज देते हैं आपकी तबीयत के लिए, उसके लिए आपको निरंतर जो है वो महाकाली के साथ साथ शिव जी की भी सेवा करनी चाहिए। कुछ काले तिल जल में डालकर चढ़ाते रहने चाहिए, ओम नमः शिवाय के जाप करते रहने चाहिए, या दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए। पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, और मेहनत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए चैलेंज था सन्मुख राहु और जो लग्न में बैठे हुए केतु बहुत दिनों से, लेकिन अभी ग्रह की स्थितियां बदलने से माइंड थोड़ा सा हो गया है परेशान आपका, और तबीयत भी नासाज है आपकी, कोई स्किन से रिलेटेड, कोई फेफड़ों से रिलेटेड, जुकाम सर्दी से रिलेटेड, बुखार से रिलेटेड अगर कोई परेशानी है, तो इस स्थिति से बचने के लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, और आपका परिवार आपको पूरा साथ देता है, लेकिन आक्रामक स्वरूप से गुस्सेबाज हो गए आपके परिवार के लोग। इस स्थिति से भी बचने के लिए आपको जो है मेरे हिसाब से किसी गुरु के शरण में भी जाना चाहिए, या आप आराधना कर सकते हैं साईं बाबा की, नानक बाबा की, दत्तात्रेय जी की, जिससे ये स्थितियाँ आपकी सुधरेंगी, पैसा भी आएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा शुक्र और मंगल आपको एकदम रोमांटिक बनाते हुए भी आपके जो संबंध है, जो रोमांटिक संबंध है, उसमें आपको कड़वा बुलवा के मंगल की वजह से उनको खराब करता है। तो जहाँ पर आपके रोमांटिक संबंध है और जिन लोगों के साथ आप बात बनानी चाहते हैं, उनको पॉजिटिव बोलकर और उनके साथ पॉजिटिव रहकर आप इन चीज़ों को बना सकते हैं, ना कि गुस्सा दिखाकर और नेगेटिव बोलकर। मंगल लग्न में आने की वजह से आपका गुस्सा बढ़ गया है, आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ये 2 दिन आपके यात्रा के हैं, बहुत अच्छी यात्रा होगी, आपके सिबलिंग्स आपका साथ देंगे,
और आपके जो बुधादित्य योग आपके लाभ में बना, जिसके बुध की वजह से आपके हो सकता है आपके प्रॉपर्टी के जो विचार हैं उनके लिए आप आगे बढ़ेंगे, आपकी पत्नी या पार्टनर इसमें आपका साथ देंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेके मीन राशि तक का विस्तृत राशि भविष्य, फिर मिलूंगी इसी तरह आपको अगले वीक राशि भविष्य, साप्ताहिक राशि भविष्य बताने के लिए। वैसे बता दूं कि आपको अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, और शनि राहु केतु जितनी चीज़ें होती हैं वो आपके आसपास से कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में छुपी होती हैं, किसी संबंधों में छुपी होती हैं, उनकी सेवा करने से आपके जीवन में आएगी बहुत सारी शांति, उनके आशीर्वाद से आप बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसके साथ आपको पौधे लगाने चाहिए व्यवसाय बढ़ाने के लिए, हरियाली बढ़ानी चाहिए घर में, खुद पानी डालना चाहिए पौधों को, हो सके तो जाके वृक्षारोपण भी कीजिए जहाँ पर ज़रूरत है। और साथ साथ में एक बात आपसे और कहूँ, हमेशा मैं साप्ताहिक राशि भविष्य बताती हूँ, इस बार आपसे अनुरोध है मेरा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे YouTube/BeautyWithAstrology के जितने वीडियोस हैं, और साथ में कामिनी खन्ना म्यूज़िक को भी विजिट करते रहिएगा। आने वाले दिनों में हम बहुत ज़्यादा उस पर आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियों वाला संगीत लेके आएंगे, तो इंतज़ार कीजिए कामिनी खन्ना म्यूज़िक के अच्छी अच्छी जानकारी वाले संगीत का। साथ ही में अभी जो हमने उस पर मैटर डाला हुआ है उस पर गौर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।